नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क केंद्रों पर पहुंचा परीक्षार्थी और अभिभावकों का हुजूम। सड़क सुरक्षा के समापन समारोह में बोले डीएम, सीमित नहीं सतत चलता रहे लोगों के बीच जागरूकता। डिजिटल हुआ टोल प्लाजा, फास्टैग को लेकर वाहन चालक और टोल कर्मियों में हो रही नोकझोंक। और छात्र छात्राओं को मिली शस्त्र संचालन के साथ संरक्षण की जानकारी, निशानेबाजी की बारीकियों का भी मिला प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में पहले ही दिन कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। कई परीक्षा केंद्रों पर बिना मास्क लगाए परीक्षार्थी और अभिभावक पहुंचे, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। हालांकि फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच शहर के सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित की गई। शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए परीक्षा समिति और प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कहीं से भी कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया, पूरे जिले में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पूरी सुरक्षा के बीच परीक्षाएं संचालित हो रही है। परीक्षा संचालन को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हो रही है। केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस और परीक्षा संचालन समिति के दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। वहीं एग्जामिनेशन हॉल से निकले परीक्षार्थियों के चेहरे पर मुस्कान थी। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अभी मैंने कुछ सेंटर्स को देखा है, तो जो भी परीक्षा समिति का गाइडलाइन है उसके हिसाब से सारा आयोजन कर रहा है। हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सारा हम लोगों ने दिया है। पुलिस के कर्मी पदाधिकारी सब लोग लगे हुए हैं। सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर समीक्षा भवन में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा, यातायात सुधार की प्रक्रिया सिर्फ एक माह तक सीमित ना हो, बल्कि यह सतत चलती रहे। एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में परिवहन विभाग, SDRF के अलावा अन्य संस्थानों द्वारा जागरूक किया जाना एक अच्छी पहल है। सड़क दुर्घटना में बढ़ते मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, तथा यह संख्या कम करने के लिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हेलमेट पहनने के नियमों के पालन से लेकर कार सीट बेल्ट के पहनने के नियम जो बने हैं, उन सभी का पालन हो, उसके द्वारा भी कार्यक्रम किया गया। पुलिस का जो ट्रैफिक का विंग है, उसने भी कार्रवाई की, और सिविल सोसाइटी, जो कई NGO, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो सभी लोगों ने बढ़िया काम किया है। और हम लोगों का यही प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। सरकार ने देश के सभी टोल प्लाजा पर 15 फरवरी की मध्य रात्रि से जाम से निजात दिलाने व टोल को कैश रहित बनाने को लेकर फास्टैग सुविधा लागू कर दी है। बुधवार को बसंतपुर टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करने के साथ दोगुना चार्ज भी अदा करना पड़ा। इस दौरान कुछ वाहन चालकों की टोल कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। हालांकि टोल पर जिला प्रशासन द्वारा पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिनके हस्तक्षेप के बाद मामलों को शांत करा दिया जाता है। वहां मौजूद टोल मैनेजर विमल कुमार ने बताया, अधिकांश वाहन चालक परिवहन विभाग के इस नियम से अनभिज्ञ हैं। ऐसी गाड़ियों में फास्टैग लगवाए जा रहे हैं या उनसे दोगुना चार्ज लिया जा रहा है। चार से चार कंपनियां फास्टैग बेच रही हैं, उसमें पेटीएम सबसे आगे है। पेटीएम का अब लेके चलिएगा 400 प्लस है, बाकी एक्यूरेट बैंक का IDFC वो भी अपना बेच रहा है 500 प्लस। मतलब फास्टैग यहाँ पर अभी 2 दिन के अंदर सेल हो चुका है और अभी भी हो ही रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ के लोगों को क्या है कि किसी को मालूम नहीं था कि डबल पेनल्टी लगेगा, और यहाँ लेना नहीं चाह रहे थे, अभी उनको सबको समझा बुझा के दिया जा रहा है, डबल पेनल्टी भी ले रहे हैं, तो अपना वो फास्टैग लगवा भी रहे हैं। पुनर्वास की मांग को लेकर रेलवे लाइन और मायागंज में रह रहे लोगों ने झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के नेतृत्व में बुधवार को समाहरणालय के समक्ष धरना दिया।
धरना में वर्षों से लंबित पुनर्वास की मांग और झुग्गी झोपड़ी वासियों को नहीं उजाड़े जाने की मांग की गई। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के सदस्य ने बताया, प्रशासन इन विस्थापितों को बिना पुनर्वासित किए उजाड़ने पर आमदा है। एक तरफ जिला प्रशासन पुनर्वास का आश्वासन देता है, तो वहीं दूसरी ओर आरपीएफ इनकी झोपड़ियां उजाड़ रहा है। 10 वर्षों से रेलवे की बेकार पड़ी जमीन पर और मेडिकल के बेकार पड़ी जमीन पर बसे हुए हैं। प्रशासन हम लोगों को पुनर्वास के आश्वासन दे रहा है, लेकिन आज तक पुनर्वास नहीं किया गया है। बीच बीच में कहता है कि आप लोग को बिना पुनर्वासित किए नहीं उजाड़ा जाएगा, लेकिन बीच बीच में आ करके वो लोग जो है कभी कभी कहता है कि 10 दिन में खाली करो, 5 दिन में खाली करो, 1 दिन में खाली करो, और दो चार घर को तोड़ देता है। 23वीं बिहार बटालियन और मारवाड़ी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने राइफल की तकनीक और निशानेबाजी के टिप्स सीखे। बी और सी प्रमाण पत्र की परीक्षा की तैयारी के लिए होने वाले प्रशिक्षण में मारवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज और मुरारका कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विश्वविद्यालय स्टेडियम में 20 फरवरी तक होने वाले प्रशिक्षण में 23वीं बटालियन के कर्नल एपीएस पटवाल और लेफ्टिनेंट राजेश नंदन, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले कैंडेटों को निशानेबाजी की बारीकियां सिखाएंगे। एनसीसी के अधिकारियों ने बताया, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 8 महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को सशस्त्र संचालन और उनके संरक्षण की जानकारी दी जाएगी। यह हम कैंप टोटल 8 कॉलेजों का चला रहे, जिसमें मुरारका कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज, बीएससी सबौर कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, टीएनबी लॉ कॉलेज, ऐसे टोटल 8 कॉलेज है, जिसमें हम बी और सी जो एग्ज़ाम होगा उसको सारा पूरा कवर कर रहे, जो कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस कम चलने की वजह से हम यह कैंपेज लगा है 5 डेज का। तो इस कैंपेज में हम कैडेटों को फायरिंग भी करा रहे। देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात एक सैनिक का परिवार दबंगों के डर से घर में कैद है और जान माल की रक्षा के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। मामला नवगछिया के मनिया गांव का है, जहां फौजी फैज खान के परिवार वाले गांव के ही दबंगों से इतने भयभीत है कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फौजी की बहन का आरोप है, पड़ोस का जलाल खान व शहबाज खान परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले को लेकर परिवार वालों ने नवगछिया थाना में FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। परिवार वालों ने बताया, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये अपराधी यहाँ पे बगल में है, अगर दरवाजा खोलेंगे, अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो ये लोग आकर मार देंगे। और हमने FIR भी 4 आदमी के खिलाफ किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग पूरे दहशत में, ये फौजी का घर है, पूरा दहशत में एकदम आया हुआ है। बच्चे सब पूरे डरे हुए हैं और मेरे फादर हैं, वो भी पूरी तरह से डरे हुए हैं। और लगातार समझिए, ये लोग कभी दीवार तड़प के आ रहे हैं कि घर गेट खोलोगे तो घर घुसकर मारेंगे। बांका सांसद गिरधारी यादव ने सुल्तानगंज में यूको बैंक के पास आत्मनिर्भर भारत के तहत किसान पेपर लघु कुटीर उद्योग का उद्घाटन किया, जहां पेपर से ग्लास का निर्माण किया जाएगा। गिरधारी यादव ने कहा, कुटीर उद्योगों से ही रोजगार और देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम बिपल्व ने सुल्तानगंज को पर्यटक स्थल बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, इसको लेकर वे राज्य व केंद्र सरकार से पहल करेंगे। जब तक इस देश में लघु उद्योग कुटीर उद्योग नहीं आएगा, तो हमारे खासतौर बिहार में अभी इस तरह का वो बना के जो हम बाहर से ला रहे थे सामान, यही बन के मिलेगा, यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा। और चाहते हैं कि जो खाद्य के संबंध में और ज्यादा हो, चाहते हैं कि दिन रात चुगनी अब तरक्की करे। लंबे समय से गंभीर बीमारी से ग्रसित मुंगेर बर्धे निवासी सजा याफ्ता कैदी मोहम्मद गुलशेर आलम की भागलपुर मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मोहम्मद गुलशेर आलम को आर्म्स एक्ट के तहत मुंगेर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सोमवार को मोहम्मद गुलशेर आलम की तबीयत बिगड़ने के बाद
बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर किया गया था। मृतक के भाई शमशेर आलम ने बताया कि मुंगेर जेल में सजा काट रहे मोहम्मद गुलशेर की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद प्रशासन की निगरानी में मायागंज अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को गुलशेर की मौत हो गई। तबीयत खराब होने के कारण डेथ हुआ। जिले में मां सरस्वती की आराधना के बाद बुधवार को विभिन्न जगहों पर स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन का दौर शुरू हो गया। शहर में प्रतिमाओं का विसर्जन जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार और बिना तामझाम के किया गया। पहली बार मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन बिना गाजे बाजे और डीजे के किया गया, जिसका युवाओं को मलाल रहा। शैक्षणिक संस्था तथा क्लबों में स्थापित मूर्तियों का विसर्जन प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही किया गया। विसर्जन को लेकर जगह जगह पुलिस की व्यवस्था की गई थी तथा पुलिस के आला अधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। जी हाँ, डीजे को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले मतलब डीजे के बिना डांस करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और मस्ती तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए डीजे जब तक नहीं मस्ती। भागलपुर जिला प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद शहर में शराब का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की शाम भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तिलका मांझी थाना क्षेत्र हटिया रोड डॉक्टर हेमशंकर शर्मा क्लिनिक के समीप से किराना दुकानदार साहब कुमार यादव को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।